और आरोप लगाया कि केरल में जानबूझकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि बीजेपी के हमले पर लेफ्ट ने भी पलटवार किया और बीजेपी आरएसएस पर केरल की शांति व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया। बीजेपी आरएसएस कंबाइन रिसोर्टिंग टू वायलेंस एंड क्रिएटिंग लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, दे डोंट रेस्पेक्ट पार्लियामेंट। प्रयागराज में आनंद अखाड़े की पेशवाई यानी धार्मिक शोभा यात्रा से पहले इकट्ठा हुए कुछ संतों ने गोली चलाकर जश्न मनाया, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। ये फायरिंग कुंभ मेले में अखाड़े की पेशवाई के ऐलान के मकसद से की गई। आरोप है कि पुलिस ने भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि गोली चलाने वाले आनंद अखाड़े के सन्यासी हैं जो पेशवाई के लिए वहां जुटे थे। प्रयाग की सड़कों पर कुंभ मेले तक झांकी निकलने वाली थी, लेकिन सभी को कुछ देर के लिए रोका गया था। वजह थी कि आनंद अखाड़े की पेशवाई यानी शोभा यात्रा कुंभ मेले के लिए तभी निकलेगी जब गोली चलाई जाएगी। इसके लिए पहले बंदूक को लोड किया गया। इस बीच पीछे एक संत खड़े थे जो जिंदा कारतूस की बेल्ट को अपने शरीर पर ऐसे लपेटे हुए थे जिस तरह फूलों की माला को लपेटा जाता है। थोड़ी ही देर में फायरिंग होनी थी, इसके लिए बंदूक अखाड़े के एक संत को थमाई गई और कुछ ही पल में उन्होंने उससे गोली चला दी। बंदूक से गोली निकलने के बाद अखाड़े के साधु और संतों ने अपनी खुशी का इजहार किया और इसी के साथ आनंद अखाड़े की शोभा यात्रा निकलना शुरू हुई। और इस फायरिंग में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन जिस कदर वहां भीड़ जुटी थी वहां बड़ा हादसा भी हो सकता था। लेकिन अखाड़े के साधु और संतों को इसकी परवाह नहीं थी, उन्होंने तो गोली चलाने के बाद बंदूक उसी संत को थमा दिया जो जिंदा कारतूस की पूरी बेल्ट शरीर पर लपेटा हुआ था। यही नहीं, इस घटना के पीछे अखाड़े के महामंडलेश्वर भी वहां मौजूद थे। इस फायरिंग के बाद कुंभ मेले तक धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। पुलिस को ना तो इस घटना की शिकायत मिली और ना ही उसने वीडियो के आधार पर कोई मामला दर्ज किया।